विद्यार्थी मित्रों और मेरे साथी शिक्षक मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछला जो हमारा लेक्चर था क्लेवेज का, उसमें हमने देखा कि 3 दिन के बाद यानी कि 72 आवर्स 72 घंटे का जो समय है उसके बाद जो मोरूला है उसका फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और ये जो मोरूला है इसमें हमने देखा कि 16 या उससे ज़्यादा सेल होते हैं। मोरूला जो है इसमें 16 या उससे ज़्यादा सेल होते हैं। और ये जो मोरूला जो है, अभी देखिए इसका पोजीशन देखिए मोरूला का, ये कहाँ पे है, तो जो यूटेराइन ट्यूब है इसी में ये मोरूला है। और ये मोरूला जो है ये आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ के ये कहाँ जा रहा है, तो ये आगे बढ़ के जो यूटेराइन कैविटी है उसमें जा रहा है। तो मोरूला जो यूटेराइन कैविटी में जो आगे बढ़ रहा है ये कौन सा टाइम पीरियड है, तो ये 4 to 5, 4 to 5 दिन का टाइम पीरियड की बात हो रही है। और इनमें क्या होता है, मोरूला में जो 16 सेल थे वो क्या कर रहे हैं, अब माइटोटिक सेल डिवीज़न कर रहे हैं। अच्छा, माइटोटिक सेल डिवीज़न की वजह से अब क्या हो रहा है, जो सेल का जो नंबर है वो कितना हो रहा है, तकरीबन 100 के बराबर 100 जो सेल हैं वो हो जाते हैं। अच्छा, ये जो जर्नी है मोरूला की, यहाँ से नंबर बढ़ के 100 होना और यूटेराइन कैविटी में आना, उसके दौरान क्या होता है कि ये जो 100 सेल हैं उसके बीच में आप जैसे कि देख रहे हैं, मैं आपको ये देखिए, आप ये जो सिक्रेशन जो है ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड जो है, फ्लूइड क्या हो रहा है, जो सेल जो है सेल के बीच बीच में से पास ऑन हो रहा है। ये फ्लूइड कहाँ से आ रहा है, तो ये फ्लूइड आ रहा है ये जो ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब इसमें से, और ये जो है अगर वो आगे आएगा एम्ब्रियो इसमें यूटेराइन कैविटी में, तो उसमें से भी फ्लूइड जो है इन 100 सेल के बीच में एंटर करता है। तो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है, आपको क्या करना है, ये जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो है हमारा डिस्कशन का फर्स्ट पॉइंट है। सारे जो पॉइंट हैं इन पॉइंट्स को आपको पॉकेट करना है एक के बाद एक, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए बाय D4 और 5 आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 4 या 5 दिन बाद एम्ब्रियो जो है उसमें 100 सेल हो जाते हैं, और इसमें जो फ्लूइड है जो प्रवाही है वो इकट्ठा होने लगता है, और ये जो 100 सेल वाली जो स्टेज है एम्ब्रियो की वो फ्लोट्स फ्री इन द यूटेरस। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये जो है ये क्या करेगा, यहाँ पे अब ये फ्लोट करेगा, 2 दिन तक ये तैरता है यूटेराइन कैविटी में। अच्छा, अब आगे बढ़ रहे हैं, समझे ना आप कि जो सेल थे सेल में क्या हुआ, सेल के बीच में फ्लूइड जो है वो पास ऑन हो रहा है। अब देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे बात समझना, ये जो सेल हैं कितने हैं, 100 तकरीबन 100, ठीक है। और इसके आसपास ये जो है ये क्या है, जोना पेलुसिडा, जैसे कि मैं आपको ये जो सेकंड पॉइंट है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखना जो जोना पेलुसिडा जो है, अब क्या होता है जोना पेलुसिडा अब टूट जाता है, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला जो है ये जोना पेलुसिडा अब टूट जाता है, तो अंदर के जो सेल थे 100 वो क्या बाहर आएंगे, है ना। तो क्या मतलब है ये पॉइंट का, जोना पेलुसिडा जो था वो नाउ स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन, टूट जाता है, और अंदर की जो रचना है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं वो बाहर आ जाती है। तो ये जो 100 सेल जो हैं, ठीक है, यही ब्लास्टोसिस्ट है, और इन सेल के बीच बीच में फ्लूइड है, ठीक है, इसी को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं।
देखिए ऐसा, फिर ब्लास्टोसिस्ट इस तरह से दिखेगा। तो ये ऐसा कैसे हो गया, है ना? ये पहले ऐसा बॉल जैसा था और अब ये क्या है ना? तो हम उसी की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 3 दिन बाद मोरूला, जिसमें 16 सेल थे, और उसमें से ये जो है ये प्लास्टोसिस्ट बनता है ना 5 दिन के बाद। अब मैंने आपको कहा कि जो यूटेराइन जो ट्यूब है और जो यूटेराइन कैविटी है, इसमें से इन सेल के बीच में फ्लूइड पास ऑन होता है, फ्लूइड एंटर कर रहा है सेल सेल के बीच में। तो अब ये जो फ्लूइड है ना, ये 5वें दिन तक क्या हो जाता है, ये जो फ्लूइड है वो एक बाजू आ जाता है, एक तरफ फ्लूइड आ गया, ठीक है। और जो सारे जो सेल थे पहले मोरूला में क्या था, वो एक गेंद की तरह था, बॉल जैसे थे सारे सेल। अब क्या हो रहा है, सेल देखिए कुछ एक जो सेल हैं, ये देखिए आप, कुछ सेल जो ऐसे होते हैं ना वो कहाँ पे चले जाते हैं, बाउंड्री पे चले जाते हैं, पेरीफेरी पे चले जाते हैं। तो जो सेल बाउंड्री पे चले गए, इन क्या बोलते हैं, इन सेल को, इनको बोलेंगे ट्रोपोब्लास्ट। और बाकी के जो सेल हैं वो क्या, एक जगह पे, एक कॉर्नर में, एक कोने में जाके इकट्ठा हो गए, ठीक है। तो बाउंड्री वाले जो सेल हैं उनको हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट, और एक कोने में, एक कॉर्नर में जो इकट्ठे हो गए उन सेल को क्या बोलते हैं, उन सेल को बोलेंगे इनर सेल मास, या तो उनको बोलते हैं एम्ब्रियो ब्लास्ट, ठीक है। तो देखना अभी सारे पॉइंट, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट मैंने आपको दिखाया, अब ये तीसरा पॉइंट, ठीक है। ब्लास्टोसिस क्या है, तो भाई ब्लास्टोसिस इज़ अ फ्लूइड फिल होलोस्फीयर, ठीक है। और फिर मोरूला में से ही ब्लास्टोसिस बनता है। और देखिए यहाँ पे ये जो था, मैंने चौथा पॉइंट आपको डिस्कस किया कि जो पेरीफेरी में जो सेलुलर लेयर है उसी को ट्रोपोप्लास्ट कहते हैं। और ये 5वां जो पॉइंट है ये रहा, ठीक है, जो एक कोने में, एक कॉर्नर में जो सेल इकट्ठा हुए उसे इनर सेल मास या तो एम्ब्रियो ब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। हो गए 5 पॉइंट, 8 पॉइंट का लेक्चर है, ठीक है। अब ठीक है, अच्छा दूसरी एक बात, ये जो ब्लास्टोसिस्ट जो है इसमें ये जो फ्लूइड फिल जो कैविटी है ना उसको क्या बोलते हैं, तो फ्लूइड से भरी हुई जो कैविटी है उसको ब्लास्टोसिस्ट कैविटी या तो ब्लास्टोसिल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब जो छठा पॉइंट है वो, अब देखिए ब्लास्टोसिस्ट में जो ट्रोपोब्लास्ट सेल, जो बाहर वाले पेरीफेरी वाले जो सेल थे ना, इसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो सेल है ना। अब क्या, अब आगे के जो 2-3 पॉइंट बाकी है ना उसमें क्या डिस्कशन करना है कि भाई ये जो ट्रोपोब्लास्ट है इसका काम क्या है, और ये जो इनर सेल मास है इसका क्या काम है, उसकी बात करनी है हमको। तो देखिए यहाँ पे छठा पॉइंट, जो ट्रोपोब्लास्ट जो सेल हैं वो क्या करते हैं, तो वो प्लेसेंटा फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और मैं बताता हूँ क्या बात है, ये यहाँ पे देखिए आप, ये तो देख रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये पहला जो फिगर है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये आ गया हमारा ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब देखिए, अब ये इम्प्लांटेशन यहाँ पे लीजिए लिखा है 9 दिन, ठीक है, 7वें दिन में हो जाता है, वो तैर रहा था ब्लास्टोसिस्ट जो है वो क्या तैर रहा था यूट्रेन कैविटी में। अब वो 5वें दिन में आया, 2 दिन तक अंदर तैरा यूट्रेन कैविटी में, 7वें दिन में जाके क्या जो एंडोमेट्रियम है उसे चिपक रहा है, ठीक है, उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं बायोलॉजी में। अब देखना अब क्या हो रहा है, अब प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखना, ये ग्रीन कलर का जो एरो है ना वो कहाँ पे जा रहा है, इसी को हम देख रहे हैं। तो देखना ये जो सेल है ना, ये जो ट्रोपोब्लास्ट जो था पहले क्या था, एक ही लेयर था, यहाँ पे समझिए ये ट्रोपोब्लास्ट एक ही, यहाँ पे भी एक ही लेयर था। अच्छा अब यहाँ पे देखना क्या हुआ, ये लाल कलर में दिखे सेल, और ये जो है लेयर, ये पीला वाला, तो ये पीला वाला और ये लाल, ये किस में से ओरिजिनेट हुए, तो जो ट्रोपोब्लास्ट है ना उसका सेल डिवीजन हुआ उसी में से ये 2 सेल बने, और ये जो 2 सेल जो बने इतने, इसी को हम क्या कहते हैं, इतना जो पोर्शन है इसी को कहते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। अब बात समझना
तो भाई बाकी के जो सेल थे इनर सेल मास वो कहाँ गए? ये रहा वो इनर सेल मास, ठीक है, बाकी का ये, अब ये जो इनर सेल मास है उसी में से क्या होगा, एम्ब्रियो जो है, जो बेबी का जो बॉडी है वो इनर सेल मास में ही तो डेवलप होगा। तो जब बेबी का जो बॉडी डेवलप होगा तो ऑब्वियस है कि 9 महीने की प्रेगनेंसी में सेल के जो नंबर हैं, सेल डिवीजन होके सेल के नंबर तो बढ़ते जाएंगे ना, तो ये जो नए नए जो सेल है उनको क्या पोषण की आवश्यकता होगी, नरिशमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये नरिशमेंट के लिए ये जो प्लेसेंटा है वो डेवलप होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मदर है, माँ है और बच्चा डेवलप हो रहा है, तो जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसको नरिशमेंट, उसको पोषण कौन देगा? तो माता का बॉडी ही तो देने वाला है। तो बच्चे और माँ के बीच में जो रचना बन रही है वो क्या प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो है वो किस में से बन रहा है? तो वो ट्रोपोब्लास्ट में से ही बन रहा है। ऐसी बात समझिए आप। तो यहाँ से मोटी मोटी बात करूँ तो यहाँ से एंडोमेट्रियम में से ये प्लेसेंटा में होके ये जो एम्ब्रियो है उसमें नरिशमेंट जाएगा। तो जो ट्रोपोब्लास्ट है उसका काम क्या हुआ, देखिए उसका जो हम ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट का, उसका अगर ट्रांसलेशन किया जाए, लिटरल ट्रांसलेशन, बिल्कुल उसका मतलब क्या होता है, नरिशमेंट जनरेटर है ना, पोषण उत्पन्न करने वाला है ना, वो उसका मतलब होता है ना। अब 6 पॉइंट हो गए, ठीक है, अब ये 7वां जो पॉइंट है वो, अब ये जो पॉइंट है ये भी आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। अब क्या हो रहा है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ पे था, यूट्राइन कैविटी में था, उसके बाद एंडोमेट्रियम में जाके उसका इम्प्लांटेशन हुआ। और दूसरी बात क्या है, एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम क्या है, वो तो मदर का बॉडी पार्ट है ना। तो जब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है एंडोमेट्रियम से जाके चिपकेगा तो मदर का जो बॉडी है वो उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो मदर का जो बॉडी है, मदर का जो एंडोमेट्रियम है वो इस ब्लास्टोसिस्ट पे अटैक नहीं करना चाहिए, है ना। और वो ऐसा अटैक ना हो और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एक्सेप्ट हो जाए एंडोमेट्रियम से, उसके लिए क्या होता है, देखिए, तो जो ट्रोपोब्लास्ट है वो क्या करता है, ट्रोपोब्लास्ट सीक्रेट फैक्टर्स, ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट क्या करता है, कुछ फैक्टर्स जो हैं उसको सीक्रेट करता है। और दूसरी बात, ट्रोपोब्लास्ट क्या करता है, इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट, ट्रोपोब्लास्ट क्या करता है, इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट पैदा करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मदर का जो बॉडी है, मदर के जो सेल्स हैं एंडोमेट्रियम के, वो ब्लास्टोसिस पे अटैक नहीं करते, यानी कि जो ट्रोपोब्लास्ट है वो क्या करता है, पूरा जो ब्लास्टोसिस है उसका एक प्रोटेक्टिंग लेयर के तौर पे काम करता है, वो ब्लास्टोसिस्ट को बचाता है, ऐसा मतलब होता है ये पॉइंट का, ठीक है, पॉइंट नंबर 7, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं, देखना आप, देखो इनर सेल मास, ये जो इनर सेल मास था ना उसका अब क्या हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये इनर सेल मास को हम क्या कहते थे, दूसरा नाम क्या था, याद है, बोलो, आप बोल रहे हो मुझे सुना नहीं दे रहा, हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो ब्लास्ट, ठीक है, देखना ये रहा, ये जो है ना, ये रहा है इनर सेल मास, एम्ब्रियो ब्लास्ट। और यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखो ये रहा एम्ब्रियो ब्लास्ट, पहले देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, ध्यान से देखा आपने, ब्लास्टोसिस्ट, ये देखना, ये ट्रोपोब्लास्ट है ना, बाहर का जो लेयर था ये वाला, अच्छा ये फ्लूइड फील्ड कैविटी हो गई, ठीक है, ये इनर सेल मास। और अभी ये क्या कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है ना यूट्राइन कैविटी में, 2 दिन तैरेगा, 7वें दिन क्या होगा, ये हुआ इम्प्लांटेशन, है ना, हाँ, ये है एंडोमेट्रियम, ये लेफ्ट साइड पे जो दिख रहा है ना, ये है एंडोमेट्रियम, तो उससे इम्प्लांट हुआ। अभी जो फिर से जो एम्ब्रियो ब्लास्ट जो था इनर सेल मास वो देखिए आप, उसी पे हो रहा है एम्ब्रियो ब्लास्ट में, दिख रहा है, अब ये वाला दिखाता हूँ मैं, आप देखिए, तो एम्ब्रियो ब्लास्ट फिर से, ये एम्ब्रियो ब्लास्ट और ये एम्ब्रियो ब्लास्ट देखिए कहाँ गया, तो वो एम्ब्रियो ब्लास्ट जो था ना उसके जो सेल हैं वो डिवाइड किए,
और दो सेलुलर लेयर बने। देखो एक ये पीले रंग में जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये दूसरा लेयर है, ठीक है। तो दो सेल के लेयर बने इनर सेल मास में से, एक जो है वो किसकी ओर है, ये जो लेयर है वो, ये तो यूटेराइन यूटेराइन कैविटी है, इसकी ओर है, और एक जो सेलुलर लेयर है वो किसकी ओर है, वो है एंडोमेट्रियम की ओर है कि नहीं। तो ये जो है यूटेराइन कैविटी के तरफ जो है ना, उसको क्या बोलते हैं, वो सेलुलर लेयर को बोलेंगे हाइपोब्लास्ट, और ये जो है अंदर की ओर एंडोमेट्रियम की ओर, उसे क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट। तो ऐसे दो सेल के लेयर बने, तो ये जो दो सेल लेयर हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाय लेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क, है ना, दो लेयर वाली एम्ब्रियोनिक डिस्क बनी, ठीक है। अब बात समझना, ये जो एम्ब्रियोनिक डिस्क है ना, इसी में से क्या होगा आगे जाके, पूरा जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होने वाला है, इन शॉर्ट है ना, बच्चे का जो बॉडी है इन्हीं दो लेयर में से बनेगा। अब ये देखना यहाँ पे, तो इनर सेल मास जो है उसमें से क्या बन रहा है, एम्ब्रियोनिक डिस्क, और ये एम्ब्रियोनिक डिस्क जो है एपीप्लास हाइपोप्लास, उसी में उसी को क्या कहते हैं हम, उसी को एम्ब्रियो कहते हैं, उसी को एम्ब्रियो प्रॉपर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एम्ब्रियोनिक डिस्क थी, ये जो एम्ब्रियो प्रॉपर है, उसमें से आगे जाके तीन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनेंगी। फिर से इनर सेल मास बोलो, या तो एम्ब्रियोनिक डिस्क बोलो, या तो एम्ब्रियो प्रॉपर बोलो, या एम्ब्रियो बोलो, इनमें क्या होता है आगे जाके तीन एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, तीन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेवलप होंगी। क्या नाम है इनके, एमनियोन, याद रखना, योक सैक एंड एलेंटोइस। इसमें ये किसमें से ओरिजिनेट हुई, इनर सेल मास में से। और जो चौथी चौथी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, फोर्थ, वो किसमें से बनती है, तो वो बनती है ट्रोपोब्लास्ट, है ना। चौथी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है वो ट्रोपोब्लास्ट में से बनती है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है कॉरियोन, ठीक है, ये बात याद रखना है। तो इसी के साथ ये जो लेक्चर है, 8 पॉइंट का लेक्चर था, मैंने बताया आपको, आपको सारे पॉइंट जो हैं वो कवर कर लेने हैं, मैं फिर से सारे पॉइंट भी बता दूंगा, और जितना भी इमेजेस है वो सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया से नोट्स बना लीजिए आप, है ना, ठीक है। एक मिनट है, एक मिनट, ये रहा, सारे पॉइंट्स ले लीजिए। वो बेबी भी रोने लगी है पीछे, मेरे भाई की बेबी है, रो रही है, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है ये यहाँ पे समाप्त हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।